बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक शख्स ने कहा कि गौसे आजम की महफिल सजाना हराम है या हलाल है? मैंने कहा हलाली लोगों के लिए हलाल है, हरामी लोगों के लिए हराम है। समझ रहे हैं? मजमे हलाली में बैठे हैं तो रंगे बिलाली पैदा कीजिए। गौसे आजम के नाम से कहिए या रसूल अल्लाह, जोर मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब कमेटी वालों की जानिब से शेर, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आबो, हर एक शख्स बोलेगा, हर एक शख्स बोलेगा, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आबो। जनाबे गौसे आजम अपनी तुर्बत में मशाखे ग्राम से गुजारिश, कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, शेर मुकम्मल होने दीजिए। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आबो, जनाबे गौसे आजम अपनी तुर्बत में नहीं होंगे। जब उनके नाम की महफिल सजी है आज जमुआ में, तो मेरा दिल कह रहा है गौसे आजम, जब उनके नाम की महफिल सजी है आज जमुआ में, तो मेरा दिल कह रहा है गौसे आजम भी यही होंगे। उम्मत बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए गुजारिश ये है मुल्के हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, वो आलमगीर शख्सियत शहजादे हुजूर बकारे मिल्लत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर सैफुल जमाली साहब मुलाकात कर ले। जिस्म इनका, ज़बान इनकी, गुफ्तगू इनकी, लहजा इनका, लेकिन जब आप गुफ्तगू समाप्त करेंगे आपको आला हजरत याद आएगा, हुजूर साजु शरिया की याद आएगी, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी की याद आएगी, रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की याद आएगी, रईसुल कलम अल्लामा अशरफ कादरी की याद आएगी। वो ज़ाते मुबारक आज हमसे और आपसे मुलाकात करने वाली है, इसलिए गुजारिश है वो एहतराम के साथ बैठे रहे। हजरत के बाद फौरन मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शायर ताजु शोरा जनाब असद इकबाल कलकत्ता भी आपके हवाले होंगे, तो अगर बेदार हो चुके हैं तो अपने हाथों को बुलंद कीजिए, बिना ताखीर हजरत का इस्तकबाल कीजिए, नारा तकबीर। ऐसे नहीं रिश्ते है तो रिश्ते का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपने सीने को बना लो अपने आका का मजार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फैकुल जमाली। दिल भी, दिल भी उसी के पास है, सांसे उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंख भी उसी के पास। السلام عليكم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على مولا نبينا بعده، وعلى آله وصحبه وهبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب العتوف الأمين الكريم، पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साथ ये कौसर को छोड़ कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साथ ये कौसर को छोड़ कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, यारब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, पिछड़े हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के हुगर को फिर घुस अते सहरा दे,
प्यारे ईश्वर में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर, खुदी का सिर निहां ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है देख फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे पुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे पुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात रात उठक बैठक का माहौल बन कीजिए, और जितनी खूबसूरत भीड़ आई है, इस भीड़ के आने की गर्ज़ो गायत सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक इस्लाम का बेटा अपनी जिंदगी के किताब के हर वर्क पर इस्लाम लिखते। जिस दिन अपनी जिंदगी के किताब के हर वर्क पर इस्लाम लिख दिया, तो दुनिया में किसी माई ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो दिन के उजाले में या रात की तन्हाई में आपके वजूद के एक बाल को भी बर्बाद कर सके। हजरात अगर तकरीर सुनने का मिजाज है तो पूरे हिंदुस्तान में ये वक्त कभी कभी किसी खतीब को मिल जाता है, जो मुझको अभी अभी सदरी इजलास की मोहब्बत और कमेटी के मुआविनीन अराकीन के खुलूस ने बख्श दिया है। आप अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश होगी कि आप हजरात जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, और पूरी जिंदगी के साथ एक हाथ को हसनी बनाइए, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाइए। जिनके पास हाथ है वही अपने हाथ उठाएंगे। हसनी हुसैनी हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी जिंदगी और पूरे खुलूस के साथ पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से जी लगा कर बोलिए या हबीब अल्लाह, और तड़प कर कहिए या नबी अल्लाह। मैं चाहूंगा कि इस वक्त में आपके इस वजूद को अपने हक में कीमती समझो, और अपनी तकरीर को भी अल्लाह करे कीमती बनाकर आपकी समाज के गले का हार बना दूं। मुलाहिजा फरमाइएगा, जी लगाकर सुनिए। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज ही में फला है, नमाज ही में कामयाबी है, नमाज ही में कामरानी है। आइए आका की एक हदीस शरीफ सुनते हैं। इससे पहले याद रखिएगा, आप अच्छी तरह सुनिए। दुनिया में कई मजाहिब के लोग हैं, हर मजहब की इबादत और तपस्या का अपना अपना तरीका है। ईसाईयत का अपना तरीका है, यहूदियत का अपना तरीका है, मसीहियत का अपना तरीका है, जैनिज्म की इबादत और तपस्या का अपना तरीका है, बुद्धिस्ट का अपना तरीका है, इस्लाम का अपना तरीका है। इस्लाम की इबादतों में सबसे अहम इबादत का नाम है नमाज। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम की सारी इबादतों में सबसे अहम इबादत का नाम है नमाज। यूं तो मोमिन की जिंदगी का नाम ही इबादत है। अगर मोमिन मोमिनाना तकाजों के साथ चले तो मोमिन का चलना भी इबादत है, मोमिन का बैठना भी इबादत है, मोमिन का सोना भी इबादत है, मोमिन का जागना भी इबादत है, मोमिन का सियासत करना भी इबादत है, मोमिन का मजलूमों की हिमायत करना भी इबादत है, मोमिन का अपनी बेटी की पेशानी को चूमकर रसूल की सुन्नत का तसव्वुर कर लेना भी इबादत है, मोमिन को अपने कांधों पर नवासों को बैठा लेना भी इबादत है। मगर सारी इबादतों में जो सबसे अहम इबादत है उसी को नमाज कहते हैं। ऐ मुसलमानों, अपने मुकद्दर की लकीरों पर नाज करो, अपनी तकदीर की रेखाओं पर मुस्कुराओ,
हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम दिया और इस्लाम के साथ साथ अपनी बारगाह में झुकने के लिए नमाज जैसी इबादत दिया है। ये नमाज क्या है? नमाज किसी बच्चे का खेल नहीं है, नमाज सिर्फ उठक बैठक का नाम नहीं है, नमाज रब की रूठी हुई रहमत को मनाने का नाम है, नमाज अल्लाह की रजा को हासिल करने का नाम है। अब यहीं पर आइए, मैं आपको एक आवाज देना चाहता हूँ, दुनिया का कोई भी मजहब हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, जब इबादत का वक्त होता है, जब परस्तिश की खड़ी होती है, जब तपस्या का वक्त होता है, जब रब को मनाने की सोच होती है, तो दुनिया के किसी मजहब में, दुनिया के किसी धर्म में, दुनिया के किसी रिलीजन में ऐसा कोई निजाम नहीं है जिसकी बुनियाद पर घर से निकलने वाला एक धर्मी ये कह सके कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं। कहीं कलीसा है, कहीं गुरुद्वारा है, कहीं मंदिर है, कहीं घंटा।